कर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दिल्ली के कर्मचारियों ने कहा है और हरियाणा के कर्मचारी इस बात को मजबूती से हमने दिखाया है कि तुम्हारे एस्मा की ऐसी तैसी किया हमने। आप 88 के बाद उस मिथ को तोड़ दिया कि जो लोग ये कहते थे कि अब डीटीसी में हड़ताल हो नहीं सकती, वो आपने तोड़ दिया और बता दिया मजदूर अगर जिंदा है तो अपने मांगों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मैं हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी दिल्ली डिपो से इंटक का प्रधान यशवीर जून। डीटीसी का सुबह भी हम जो है समर्थन करने के लिए आए थे और पहले भी जो है कई बार हम समर्थन कर चुके हैं। ये लोग भी हरियाणा रोडवेज के डिपो में जाके हमारा स्ट्राइक का समर्थन है। आज हमारा 14वां दिन स्ट्राइक का चल गया है और 14वें दिन में सरकार जो है ना अब अपनी अट धर्मता अपनाए हुए है और कोशिश कर रही है हर तरह के हथकंडे अपनाकर और स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्मचारी साथी दिन पे दिन जो है ना तादाद बढ़ती जा रही है हमारी गाँव से जो है ना और ग्रामीण पंचायतें और सब ने स्टूडेंट ने और सब समर्थन कर पे आए हुए हैं। हमें पूरी डीटीसी के कर्मचारी का समर्थन है और अन्य यूनियन से जो बाहर से भी हैं उनका भी हमें समर्थन है, पर जो मैनेजमेंट ने सरकार ने मिलके जो दबाव बनाया एस्मा लगाया और वैसे भी दबाव तरह तरह के दबाव बनाए गए, पहले से आउट कर दिया भाई जो गाड़ी ड्यूटी नहीं करेगा उसके खिलाफ कभी विभागीय कार्रवाई होगी, तो काफ़ी डराया गया है कर्मचारी को, पर फिर भी बड़ी संख्या में एक हमारी हड़ताल सक्सेस हुई है। मैं नरेश सुभाष प्ले डिपो चालक के रूप में काम करता हूं। मैं सुबह 2:30 बजे उठता हूं और 5:45 बजे डिपो पहुंचता हूं और मतलब कई बार हमें ड्यूटी भी नहीं मिलती है टाइम पे, 2 या 3 घंटे बैठा के कह दिया जाता है कि मतलब कि आप कि ड्राइवर ने गाड़ियाँ नहीं हैं, कनेक्टर नहीं है, या परमानेंट ड्राइवर को पहले मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट को बाद में मिलेगी, हमें घर वापसी भी जाना पड़ता है। जन परिवहन का मतलब होता है जो सच में जनता से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कहने में जनता अपनी जेब नहीं कटोले कि मैं आज अगर चल गई तो मैं कल कैसे जाऊंगी, ये मतलब होता है जन परिवहन का। और डीटीसी तो दिल्ली की जान है और इसीलिए ये बात मजबूती से कहने की जरूरत है कि हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, हमने आपको नोटिस दिया, हमने आपको 15 दिन पहले नोटिस दिया, हमने रेफरेंडम किया, हमने तमाम तरह की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है स्ट्राइक पे जाने की उन सारी प्रक्रियाओं को हमने दिखाया है स्ट्राइक के फेवर में और तब हम आज इस हड़ताल में पहुंचे हैं। और आने वाले दिनों में आप भले ही तमाम तरह का और लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा खोजते रहिए, लेकिन हम अपने आंदोलन को चलाएंगे, आपको झुकाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आगे और लड़ाई है, आज एक पड़ाव हमने खत्म किया, आगे और लड़ाई हम करेंगे।